वो ये है कि हमारी ओके सो जिस तरह का आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हमारा जो कोर्स है एडवांस ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स जो है वो लॉन्च होने वाला है, ठीक है। और ऑलरेडी काफी लोग हमें कह रहे थे ग्राफिक डिजाइनिंग के डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज, उन्होंने छोटे छोटे कोर्सेज किए हुए थे, लेकिन एक कंप्लीट जो है ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है जो कि इन डिमांड है, वो जिसमें आपके एक नहीं कोई 6 से 7 डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं अडोब के जो आप सीखोगे, ठीक है। सो अभी जो है मैं मुकद्दस अमीन जो है वो स्टार्ट करेंगी, ठीक है, और मैं उनको गो अहेड देता हूँ, तो वो ओवरऑल जो है आप लोगों को बताएंगे कि क्या क्या चीजें आप लोगों ने किस किस तरह से जो है वो कवर अप करनी है कोर्स के अंदर, जो ये आप लोगों की डेमो क्लास है और हम लोगों ने जो है कम्प्लीट लॉन्च की है उसके रेलिवेंट भी चीजें जो है आपको देखने को मिल जाएंगी। थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि क्लासेस वगैरह जो है आप लोगों की किस तरह से होंगी और कौन कौन से टूल्स इसमें डिस्कस होंगे, ठीक है। तो मैं आपको शेयर करके बताता हूँ अभी। ओके परफेक्ट है, मुझे जरा बताइएगा स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? जी एवरीवन, जी लेट मी सर, नो कि स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को सबको। ओके परफेक्ट, तो जिस तरह जो हमारे पास आउटलाइन है यहाँ पे गिवन है एडवांस्ड ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स की, जिसके अंदर आप लोगों के पास जो टोटल क्लासेस हैं वो होंगी आप लोगों के पास 48। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग का, फोटोशॉप का, या फिर जो है इलस्ट्रेटर, जो इस तरह के कोर्सेज वगैरह एनएस ट्रेनिंग से किए हुए हैं? जी कितने लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स किया हुआ है जी एनएस ट्रेनिंग से? ओके परफेक्ट, तो आप लोग में से मैक्सिमम लोग हैं जिन्होंने कोर्स किया हुआ है। अब आप लोग अक्सर सोचते होंगे कि सर 8 क्लासेस के अंदर जो है वो कवर अप नहीं होती चीजें उस तरह से, कितने लोग सोचते थे? और काफी लोग थे जो वेट कर रहे थे कि आपके पास कोई ऐसा कोर्स लॉन्च हो जिसमें एक ही कोर्स के अंदर सब कुछ सीखते हैं, अलहदा अलहदा से कोर्सेज करने के बजाय एक ही फुल फ्लेज कोर्स हो जो कि आप लोगों को प्रॉपर सिखाया जाए, और जो कि आप लोगों के पास 48 जो क्लासेस हैं, मतलब आपके पास होंगे ईच क्लास 1 आवर की होगी, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 डेज ए वीक क्लास होगी, टोटल 8 वीक्स है, और 2 मंथ का कंप्लीट कोर्स है जिसके अंदर एडोब इलस्ट्रेटर है, एडोब फोटोशॉप है, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स है, ब्लेंडर है, प्रीमियर प्रो है, लाइट रूम है, और इन डिजाइन है, ठीक है। तो आपके सामने जो है वो सबसे मोस्ट फेमस सॉफ्टवेयर जो है इस टाइम इस कोर्स में यूज होंगे। तो अभी जो है मुकद्दस आपको सारी चीज़ों के बारे में गाइड करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, अभी जो है आपका फोकस होना चाहिए रेलेवेंट कि हम लोग डेमो में क्या क्या चीज़ें कवर अप करेंगे, और आपको ये पूरा प्लान मिल जाएगा कि आपके वीक 1 में इलस्ट्रेटर ओके इलस्ट्रेटर एडवांस टेक्निक्स हैं, फिर टाइपोग्राफी एंड 3D इफेक्ट्स ऑन ब्लेंडर है। बहुत सारे लोग ब्लेंडर के बारे में पूछ रहे थे, उसके रेलिवेंट भी हम लोगों ने कॉन्टेंट ऐड किया है, फिर फोटोशॉप एंड एडवांस टेक्निक्स हैं, फिर लाइट रूम काफी देर से ऐसा सॉफ्टवेयर था जो कि मतलब नजर में तो था, डिमांड भी था, लेकिन बहुत से लोगों को इसको पता नहीं है कि लाइट रूम बहुत ज्यादा एक एडिटिंग में यूज होता है, और इसमें आप फोटो एडिटिंग और साइड में बहुत ज्यादा इफेक्ट है इसका, ठीक है। जो लोग वीडियो एडिटिंग वाली साइड से या फोटोग्राफी वाली साइड से, उनको पता होगा कि लाइट रूम की कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। फिर आप लोगों के पास इन डिजाइन, जो लोग ये आपके पास प्रॉपर लेआउट वगैरह जो कंपनी के ब्रोशर वगैरह डिजाइन होते हैं उनको आइडिया होगा कि इन डिजाइन कितना जो है वो मजे की चीज है। फिर प्रीमियर प्रो है, आफ्टर इफेक्ट्स है, ब्रांडिंग, ब्रांड आइडेंटिटी, मॉकअप्स एंड प्रेजेंटेशन है, और एंड पे पोर्टफोलियो आप प्रॉपर भी हैंड्स पे बनाएंगे, ठीक है। यूआई यूएक्स का एक सेपरेट कोर्स है जिसके अंदर आपके पास एडोब एक्सडी और फिग्मा पे काम है, ठीक है। ये आपके पास एडोब के सारे सॉफ्टवेयर का, मतलब अगर आप ये कोर्स कर लेते हो तो आपको कंप्लीट एक ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल्स आ जाती है, फ्रॉम कि आप लोगों ने इलस्ट्रेटर से यूज करते हुए सारे सॉफ्टवेयर, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स, ब्लेंडर, प्रीमियर प्रो, लाइट रूम, इन डिजाइन, एग्जैक्टली सारी चीजें सीखेंगे। 3D साइड भी आपकी आएगी, आफ्टर इफेक्ट्स में एनिमेशन टाइप की चीजें भी आएंगी। तो अभी जो है मुकद्दस कंटिन्यू करेंगी, तो फिर मैं लास्ट 5 से 6 मिनट्स में मिलता हूँ आप लोगों से, ठीक है जी। तो कितने लोग एक्साइटेड है मुझे जरा एक मैसेज करके बता दो कि कितने लोग जा रहे हैं कि जी मैं कंटिन्यू करवा दूँ, स्टार्ट करवा दूँ डेमो। चलें परफेक्ट है, ठीक है मुकद्दस, ओवर टू यू, आप स्टार्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो फिर मैं लास्ट 5 मिनट्स में आता हूँ। ठीक है सर, अस्सलाम ओके वालेकुम। आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? आप लोग साथ साथ मुझे जो है मैसेजेस में बता सकते हैं, ठीक है? और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेस कर दे या सिंपल क्वेश्चन कर दे ताकि मैं उसका जवाब दे दूं। मेरा नाम मुकद्दस है और मैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर जो हूँ, पिछले 2 साल से ज्यादा मुझे एक्सपीरियंस हो गया काम करते हुए। मैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रही हूँ, जैसे कि मतलब इंस्टाग्राम भी है, लिंक्डइन, अपवर्क, जितने प्रोफेशनल अकाउंट्स हैं जिन पे मतलब आपको इस तरह का डाउट नहीं होता कि आपको फेक क्लाइंट्स मिलेंगे। तो आप मैं इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे काम करती रही हूँ। और मेरी एजुकेशन जो है, मैंने BS ग्राफिक डिज़ाइन किया हुआ है,
और इसके अलावा मैं आप लोगों को इसमें डिटेल बता देती हूँ कि आप लोग जो हो इस सारे कोर्स में किस तरीके से सारा पढ़ोगे। जैसे सर ने आपको बताया, आप इसमें एक से ज़्यादा कोर्सेज पढ़ने वाले हो, जिससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप लोग, क्योंकि इसमें ग्राफिक्स में कैंपेन पढ़ोगे, बैंडिंग पढ़ोगे, एनिमेशन पढ़ोगे, 3D एलिमेंट्स पढ़ोगे, इस तरह की जब आप चीज़ें पढ़ोगे तो आपको इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको अपनी फील्ड का आइडिया होगा कि आपने कौन सी चीज़ को ज्वाइन करना है आगे जाके। क्योंकि आप पूरा ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स तो पढ़ोगे, लेकिन आपने एक्सपर्टीज किस में करनी है, आपको उसका आइडिया होगा कि आपका कौन, आप एनिमेशन में ज़्यादा अच्छे हो सकते हो, आप ब्रांडिंग में अच्छे हो सकते हो, आप किस चीज़ में कैंपेन डिज़ाइन में अच्छे हो सकते हो, या आप इलस्ट्रेशन में आपका क्या टाइप है, आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा उन चीज़ों से। मैं आप लोगों को जल्दी से दिखा देती हूँ आप लोगों के कोर्सेस। आप इसमें ये सारे कोर्सेस पढ़ोगे, आप लोगों को इन चीज़ों का थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाऊंगी आप लोगों को, आपको स्क्रैच से लेके एडवांस लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे जो कोर्स ज्वाइन करते हैं जो भी स्टूडेंट्स, वो सारे सॉफ्टवेयर से आप लोगों को नहीं पता होता कि ये सॉफ्टवेयर क्या है। कुछ लोगों ने पढ़े भी होते हैं और कुछ ने नहीं पढ़े होते, तो इसलिए हम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे, ठीक है। और इसमें हम फोटोशॉप पढ़ेंगे। फोटोशॉप जो है मुख्तलिफ चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें आप लोग जो है आप इसके अंदर पोस्टर, बैनर्स, ये चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हो, और इसके अलावा आप इसके अंदर मतलब इलस्ट्रेशंस भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें ब्रशेस इस तरह के दिए गए हैं कि आप उसके अंदर से बहुत अच्छे सॉफ्ट ब्रश टूल से बहुत अच्छी सी एडिटिंग करके उसके अंदर जो है आप बहुत रियलिस्टिक उसको बना सकते हैं। इसी तरह जो इलस्ट्रेटर है वो मतलब आप उसमें वेक्टर बेस्ड काम कर सकते हो। आपको इसमें ये चीज़ें भी बताई जाएंगी कि वेक्टर और रेस्टर, इन चीज़ों में क्या फ़र्क होता है, मार्केट की क्या डिमांड है, कि आप लोग जो है इलस्ट्रेटर की क्यों इतनी डिमांड है। क्योंकि जैसे आप अगर किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं, तो अब जाहिर बात है आप इन्हें एक लोगो डिज़ाइन करके दिया है, तो वो एक किसी सिंपल पेपर पे नहीं लगेगा या सोशल मीडिया तक नहीं रहेगा, उसको आगे बहुत बड़े बड़े बैनरफ्लेक्स पे लगेगा, वो काफ़ी मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होगा। तो जब एक चीज़ जो है आप छोटे चीज़ पे बनाते हो किसी एक छोटी स्क्रीन पे, जैसे हम ले लेते हैं A4 शीट, आप A4 शीट के ऊपर एक लोगो बना रहे हो, तो अगर वो चीज़ अब प्रिंट होनी है, तो वो अगर पेनाफ्लेक्स पे छप रही है, तो आप पेनाफ्लेक्स आप सोच लो कितने बड़े बड़े होते हैं, आप जब रोड पे गुजरते हो वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो 4-7 फुट तक होते हैं, तो आपका लोगो जो है वो पिक्सेलेट नहीं होना चाहिए। आपका मोबाइल पे हो जाएगा नहीं, देखिए अगर आप तो क्लासेस लेनी है तो आपके लिए लैपटॉप होना ज़रूरी है। आप फ़ोन पे सुन सकते हो, लेकिन आपकी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए ये कोर्स NS ने इसलिए रखा है, इतना बड़ा कोर्स 2 मंथ्स का, कि आप लोग जो हो साथ साथ एक्सप्लोर करो, जो जो चीज़ें मैं पढ़ाऊँगी आप वो साथ साथ करो, ताकि आपको पता चले कि मैं जो करवा रही हूँ वो आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप मेरे से फ़ौरन अगली क्लास में जब आओ तो आप मुझसे क्वेश्चंस करो कि मैम हमसे तो ये नहीं हुआ था, तो मैं आपको उसी टाइम दिखाऊं करके, और मैं भी देख सकूं कि आपसे क्यों नहीं हो रहा था। तो आपके लिए लैपटॉप होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अब मैं आपको बताई थी कि आपका वेक्टर, रेस्टर, इस तरह की चीज़ों का क्या होता है, तो आपके लिए जो रेस्टर चीज़ होती है वो पिक्सेलेट होती है, चलती वो भी है, लेकिन उसका ये होता है कि आप वो किसी क्लाइंट को नहीं काम करके दे सकते उसमें, अगर वो आपसे मांगे ना तब तक आप उसको, क्योंकि वो अगर किसी बड़ी चीज़ पे प्रिंट होगी तो वो पिक्सल आपको क्रिएट करके देगी, और उससे ये होगा कि एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है ब्रांडिंग का। जैसे अगर आप खाड़ी या बीच ट्री या इस तरह के कोई भी ब्रांड देखें, उसका अगर आपको लोगो या कोई भी कैंपेन अगर आपको हिली हुई नजर आए, इस तरह की चीज़ें नजर आए, तो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होता यूज़र के ऊपर। आपको मैं थोड़ा बहुत इसका ये बता देती हूँ कि आप जो हैं, सॉरी एक मिनट, हाँ, आप इसके अंदर जो हैं ये सारे सॉफ्टवेयर जब पढ़ोगे, इसके अंदर आप ब्रेक,
जी, ये छोटी सी ब्रेक ली थी अजान के लिए. आप में से किसी ने पूछा है पिक्चर ऑफ दिस कोर्स, प्राइस ऑफ दिस कोर्स. आपको ये सारी डिटेल्स जो है एनएस के पेज से मिल जाएंगी. आप उसमें डिटेल सारी, उसके अंदर जितने भी कोर्सेज की डिटेल्स हैं कि आप क्या कवर करोगे, उसमें भी मेंशन होगा ताकि आप आसानी से देख सको. अच्छा, आप लोगों को मैं सॉफ्टवेयर्स का बताई थी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर आप इस कोर्स के अंदर आएंगे तो आपको क्या क्या इसमें मिलेगा. आपको ये कोर्स जो है 16 जुलाई से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी प्रॉपर तौर पे. और इसमें आप ये सॉफ्टवेयर जो करोगे, इसके आगे इलस्ट्रेटर तक हम आए थे कि आपको इलस्ट्रेटर में और फोटोशॉप में जो रेस्टर और वेक्टर है, इस तरह की चीज़ों की गाइडेंस भी दी जाएगी कि आप आगे जब ये इंशाल्लाह सारे कोर्सेज कवर कर लोगे सारे सॉफ्टवेयर, तो उसके बाद आप प्रोफेशनली किस तरीके से अर्न करोगे और आप किस तरीके से अपने क्लाइंट को जो है ग्रैब करोगे, उसको उसका माइंड देख के उसको किस तरीके से जो है आप कहोगे कि अपनी तरफ लेके आएंगे. क्योंकि आपको पता है मार्केट, आप जब ये सब चीज़ें सीख भी लेते हो ना, तो आपको जो है हंट करना पड़ता है. आपको अपने क्लाइंट को अपनी खूबियाँ दिखानी पड़ रही होती हैं कि ये मेरा है, मैं आपको इस तरीके से इतनी अच्छी क्वालिटी में काम दूंगी या दूंगा. आप लोग आगे इस तरह की चीज़ बताओगे उसको कि मेरे काम की क्वालिटी है, इस वजह से मैं इतने चार्जेस ले रहा हूँ. और इसमें ठीक है, आप लोग इसमें पढ़ोगे इनडिजाइन. इनडिजाइन जैसा कि सर ने आपको मेंशन किया था कि जो कंपनीज हैं ये सारी चीज़ें अपनी मैगजीन कवर्स पोस्टर इन चीज़ों में यूज़ करते हैं. फोटोशॉप में भी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये खास तौर पे हर सॉफ्टवेयर बनाया गया है, तो इसमें ये ज़्यादा प्रॉपर अच्छे तौर पे आपको अलाइनमेंट, आपको जो है स्पेसिंग, इस तरह के ऑप्शंस देगा कि आप उसमें ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हो. प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स जो है दोनों में एनिमेशन होती है, लेकिन इन दोनों में ये फर्क हो जाता है कि आप जो है अडोब आफ्टर इफेक्ट्स में है 2D एनिमेशन में ज़्यादा चले जाते हैं. और इसमें ये हो जाता है आप इसमें 3D में जा सकते हैं. आप इसमें जो है करेक्टर की मूवमेंट, इन्वायरमेंट को किस तरीके से आपने चलाना है, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर कवर करोगे आगे इंशाल्लाह. और प्रीमियर प्रो जो है इस तरह से यूज होता है कि आप इसके अंदर जो है कमर्शियल्स टाइप आप इसमें चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कोई छोटे से प्रोमोज और इस तरह की चीज़ें. आप इसमें इफेक्ट्स डाल सकते हो, टेक्स्ट के बहुत सारे इफेक्ट्स, ट्रांजेक्शन डाल सकते हैं, और ये सारी चीज़ आप इसमें डाल सकते हैं. इसके अलावा जो ब्लेंडर है, ब्लेंडर हम इस तरह से पढ़ेंगे कि जैसे आप इसके अंदर 3D के ऑब्जेक्ट्स बनाने सीखोगे, आप उसमें ये सारी चीज़ें सीखोगे, आप किस तरीके से शेप्स को, सिंपल शेप्स को आप किस तरीके से एक बहुत अच्छे उसमें ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर सकते हो. आप एक सिंपल स्क्वेयर से, आप एक स्क्वेयर लेते हो, आप उससे किस तरीके से एक चेयर पूरी क्रिएट कर सकते हो. आप लोग जो है, मुझे पूछा गया है कि आप प्रोफेशनली अर्न, हाँ आप जब इंशाल्लाह ये सारा कोर्स कवर करेंगे तो आप प्रोफेशनली आप इसमें बहुत अच्छे तरीके से अर्न कर सकते हो. आपको ये सारी चीज़ें जो है, आपका लास्ट एक लेक्चर रखा गया है जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें गाइड की जाएंगी कि आप किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करोगे, आप किस तरीके से उसको आगे प्रमोट करोगे, किस तरीके से क्लाइंट्स को मैसेज, किस तरीके से उनसे डिस्कशन करोगे, आपको अपने बजट्स और इन चीज़ों की चीज़ें, आपको ये चीज़ भी बताई जाएगी कि आपको मार्केट में, जाहिर बात है आप न्यू काम सीखोगे आपको नहीं पता होगा आप क्या चार्जेस रखो, आपको क्लाइंट को किस तरीके से बात करनी है आपसे, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी. क्योंकि इसीलिए ये एडवांस कोर्स रखा गया कि आपको आपको शुरू से लेके एंड तक गाइड किया जाए. आप लोगों को मैं अपना पोर्टफोलियो शो करवाती हूँ. मैंने, रुके एक मिनट, ये बिहेंस आपको मेरी पूरी प्रोफाइल शो हो रही है. ठीक है, इस टाइम बहुत सारी चीज़ें स्क्रीन पे खुली हुई हैं और मैंने साथ में चैट भी खोला हुआ है ताकि मैं आप लोगों के मैसेजेस भी पढ़ सकूं कि आप लोग मुझे क्या क्या मैसेजेस कर रहे हो, ताकि उस हिसाब से मैं आपको साथ साथ जवाब दूं. अच्छा, ये मेरा प्रोफेशनल अकाउंट है जो कि मैं अपने पोर्टफोलियो के मैंने क्रिएट किया था. क्योंकि अब जाहिर बात है हम लोग CV में अपना काम तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि हम लोग मतलब दूसरे अकाउंटेंट्स हैं, इस तरह का हमारा काम नहीं है. हम लोगों का जो है विजुअल काम होता है कि हम लोगों को अपना काम पोर्टफोलियो बनाना होता है. जी, आपको जो ये जितने मैंने अभी सॉफ्टवेयर दिखाए हैं, आपको इनके क्रैक्स दिए जाएंगे, आप वो अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करोगे और आप जो है हर एक, मतलब जब हम
हम लोगों ने इस तरह से कोर्स ऑर्गेनाइज किए हैं कि आपको एक सॉफ्टवेयर जो है एक वीक में सिखाया जाएगा, क्योंकि हम लोग 6 घंटे पढ़ेंगे तो आप बहुत डिटेल में एक चीज पढ़ सकते हो, और आपको ये सारे जो सॉफ्टवेयर वो NS प्रोवाइड करेगा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये एक लर्निंग स्किल्स है, या आप लोग आप किसी भी लेवल के, मुझे तो लगता है ये आप अगर कोई बच्चा 8th class में भी है और उसको पता पढ़ना लिखना आता है, उसको इतना पता चीजें क्या होती हैं, तो वो ये कोई भी बच्चा कोर्स कर सकता है। और आप लोग जो है आप ना ऑल मैसेजेस में करो ताकि दूसरों को भी पता चले आप लोग किस तरह से मैसेजेस कर रहे हो, और मैं उन चीजों का जवाब दे रही हूँ डायरेक्टली, में लगेगा सबको कि मैं खुद से जवाब दे रही हूँ। तो अच्छा, आप लोगों को मैं बताई थी कि आप लोगों को ये कोर्सेज जो हैं वो उसके सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, उनके क्रैक्स आपको दिए जाएंगे जिसे आप डाउनलोड करोगे, और मैसेजेस का ऑप्शन डिसेबल है, आप लोग इसलिए प्राइवेट मैसेजेस कर रहे हैं मुझे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, प्राइवेट ही करिए। अच्छा देखें, आप लोगों को जो है क्रैक्स दिए जाएंगे, उसके अलावा जो है आप में से हर बच्चा, मतलब आप लोग मुझे आप लोग हर लेवल के होगे, कोई मतलब BS कर चुका होगा, कोई स्कूल लेवल पे होगा, आप सब ये कर सकोगे, और आपको सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी परचेज नहीं करना होगा, आपको क्रैक्स दिए जाएंगे। हाँ उनमें कुछ कुछ लिमिटेशंस होती हैं, अब जाहिर बात है परचेज किए हुए किसी सॉफ्टवेयर में और आप जो खुद अपने लैपटॉप में रखते हो क्रैक्स वाले सॉफ्टवेयर, उनमें कुछ कुछ होते हैं लिमिटेशंस होती हैं, आपको सारे टूल्स नहीं प्रोवाइड किए जाते, लेकिन हम वो सारे कवर कर लेंगे कि आप बहुत अच्छे से अपना कोर्स कवर कर लें। अच्छा इसके अंदर जो है मेरा पूरा पोर्टफोलियो में ये है कि आप लोगों को इसमें चीज़ें पता चलेंगी, इसमें UI UX का भी स्टफ है क्योंकि मैं ग्राफिक्स की स्टूडेंट हूँ तो मैंने वो सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं इसलिए, लेकिन आप लोगों के लिए UX UI का एक प्रॉपर पूरा एक एडवांस कोर्स अलग से ऑफर हो रहा है, आप लोग उसके लिए आप उसकी साइट भी देख सकते हो। इसमें आप लोग ब्रांडिंग, पैकेजिंग, कैंपेन, एनिमेशन, 3D 2D और इस तरह की चीज़ें सीखोगे। अच्छा अब देखो इसमें ये जैसे है, मैंने इसमें वेबटून डिज़ाइन किए थे, अब वेबटून जो हैं वो एक कॉमिक वर्जन है, और ये कॉमिक्स जो हैं आपको मेरा ख्याल है आइडिया शायद हो, शायद आप में से कोई कॉमिक पढ़ता हो, आप में से कभी किसी ने कॉमिक्स पढ़े हैं? हाँ, जो कॉमिक्स हैं वो पाकिस्तानी ये मैगजीन्स और न्यूज़लेटर्स में भी आते होते थे, इसमें जो है ये कॉमिक का है जो कि मैंने एक बुलिंग पे एक उसका है सिनेरियो के बच्चे को बुली किया जाता है, उसमें उस चीज़ को डिपिक्ट किया गया है। अब उसका जो पोस्टर था वो इसलिए ये रखा गया था क्योंकि आप इसमें हर एक एक चीज़ को रखा गया कि इसमें जो कलर्स हैं वो थोड़े सैडनेस के यूज हों, और आपको क्या कहिए रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इस लेक्चर की, आप लोगों को ये सारी डिटेल्स जो है रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको क्या क्या डिटेल्स मिलेंगी आप लोगों को सब बताया जाएगा। अच्छा मैम मेरे से किसी ने पूछा है कि ग्राफिक डिज़ाइन और UI UX में क्या डिफरेंस होता है, अच्छा ठीक है पहले तो मैं आपको ये बता दूँ ग्राफिक डिज़ाइन होता क्या है। ग्राफिक्स वो चीज़ें होती हैं जो आप विजुअली देखते हो, विजुअली कॉन्टेंट जो होता है जो आप कम्युनिकेट करने के लिए बनाते हो, ठीक है, और आगे जो डिज़ाइन होता है डिज़ाइन सॉल्यूशन होता है, ठीक है। आप अब जाहिर बात है आप एक विजुअली कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हो तो आप बना तो रहे हो, लेकिन अब वो जिसके लिए बना रहे हो उसको समझ भी तो आए, तो इसलिए उस चीज़ को डिज़ाइन कहा जाता है क्योंकि डिज़ाइन एक सोल्यूशन है। लाइक खुद हम बनाए हुए कहाँ रिकॉर्डिंग में हो गई रिकॉर्डिंग में है। अच्छा आपको जो UI UX के कोर्स की डिटेल्स हैं वो UI UX के कोर्स में मिलेंगी, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि UI UX के कोर्स में कोडिंग नहीं होती, ठीक है। अच्छा लेकिन आपको नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि जब आप काम करते हो तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन हम ग्राफिक डिज़ाइन पे आते हैं। जो ग्राफिक डिज़ाइन है उसमें ये है कि आप लोग इसके अंदर विजुअली चीज़ें क्रिएट करते हो जो कि आपके क्लाइंट को समझ आए, और क्लाइंट जिस चीज़ के लिए आपसे वो बनवा रहा है उनको भी समझ आए, ठीक है। अब जैसे ये मैंने आपको दिखाया कि मैंने ये एक सैडनेस शो कराई, अब आप इसको पिक्चर को देख भी रहे हो ना तो आपको रेनी फील हो रहा है, डल कलर्स हैं, एक सैडनेस फील हो रही है कि एक अकेला लड़का एक खाली रोड पे फिर है, तो वो उस चीज़ को सारा डिपिक्ट कर रहा है कि हाँ वो किस तरीके से अकेला है अपनी लाइफ में, और इसमें सारा आप किस तरीके से
खाली इसकी किस तरीके से आप इसको वर्टिकली, मैंने अब इसको फ्रेम बाय फ्रेम बनाया था, लेकिन अब मैंने इसको कंबाइन करके एक लंबी सी वर्टिकल लाइन क्रिएट की, जिससे वो एक ऐसा लग रहा है कि वो नीचे नीचे कॉन्टिन्यू चली जा रहा है, चली जा रहा है। आप लोगों को भी इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना होगा। देखो, मैंने अभी अभी बताया आप लोगों को, जो ग्राफिक डिजाइन होता है वो एक विजुअली, आप लोग जो भी देखते हो विजुअली, ठीक है, डिजिटली आप जो भी देखते हो वो सब ग्राफिक्स डिजाइन में ही आता है, ठीक है। इवन के यू एक ग्राफिक डिजाइन एक अम्ब्रेला है, ठीक है, उसके अंदर हर चीज, इवन के यू जो आप उनसे पूछ रहे हैं सेपरेटली, वो भी उसकी अम्ब्रेला में ही आती है, लेकिन वो एक डिफरेंट चीज है, क्योंकि उसके अंदर भी डिजाइन प्रिंसिपल्स यूज होते हैं, उसके अंदर भी हम यूजर का ख्याल रखते हैं, वो सारी चीजें भी ग्राफिक्स का ही हिस्सा है। मुझे इस टाइम बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं जितनी कोशिश हो रही हूँ साथ से साथ बता रही हूँ आप लोगों को। आप लोग मुझसे भी किसी ने पूछा है सर्टिफिकेट, जी बिल्कुल, सर्टिफिकेट भी आप लोगों को, इसकी बात है आप लोग इतना लगा के सीख रहे हो तो आपको सर्टिफिकेट भी जरूर मिलेगा इसका। अच्छा, उसके आगे जो है, अब रुके, अब इसी में मैं आपको दिखा दूं, उसके आगे जो है आप लोगों को इस तरह से करेक्टेड डिजाइन सिखाया जाएगा कि आप करेक्टेड डिजाइन क्यों कर सकते हैं। अब आप लोगों को अगर करेक्टेड डिजाइन हम जो सीख रहे हैं वो क्यों यूज होगा, करेक्टेड डिजाइन आपको बहुत सी चीजों में इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आजकल तो बहुत ज्यादा, आप इवन के आप किनोर वाले नूडल्स देखो, ठीक है, किनोर की जो कमर्शियल है उसके अंदर भी एक छोटा सा कार्टून वेक्टर उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। अब करेक्टेड डिजाइन आप लोग उसकी इंपॉर्टेंस देख लो कि आप उसको भी कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। और इसी तरह आप इसमें करेक्टेड बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, आपने किन चीजों का ख्याल रखना है, इसमें डिटेल लेक्चर होगा, आप किस तरीके से जो है पोस्टर डिजाइन कर सकते हो, मतलब आप जैसे अब ये पोस्टर देख रहे हो हेल्थी जूस का, तो इसके अंदर किस तरीके से इफेक्ट्स डले हुए हैं, कौन सी फ्री रिसोर्सेज हैं, आप कहाँ से करेक्टर्स, मतलब चीजें ऑब्जेक्ट्स ले सकते हो। अब जाहिर बात है आप अगर आपको ये, जैसे मैंने ये बॉटल बनानी थी तो मैंने उस बॉटल को मैंने किन फ्री रिसोर्सेज से जाके लिया और मैंने किस तरीके से इन चीज़ों को कंबाइन किया, इफेक्ट्स कैसे कैसे डाले। इस कोर्स के अंदर कैनवा नहीं सिखाया जा रहा, कैनवा का एक प्रॉपर अलग कोर्स ऑफर कर रहा है NS, आप उसको भी देख सकते हो उसकी आउटलाइन को, क्योंकि जो कैनवा होता है वो ग्राफिक्स में आप चीजें खुद भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन कैनवा जो होता है, कैनवा में मुझे लगता है आप लोगों को सिर्फ वो चीजें इस्तेमाल कर सकते हो जो वो आपको दे रहा है। सोशल स्टार्ट फ्रीलांसिंग टू टेक एडवांस कोर्स, गेम में ग्राफिक डिजाइनिंग है तो बिग बॉस भी क्या जाते हैं, कैनवा ज्यादा यूजफुल है या ग्राफिक्स? देखें, कैनवा और ग्राफिक्स दोनों एडोबी के सॉफ्टवेयर जो है प्रोफेशनली डिजाइनर्स यूज करते हैं, कैनवा वो लोग यूज करते हैं जिन्होंने डिजाइन करना नहीं सीखा हुआ, उनको सिर्फ इतना पता है कि चीजें यहाँ से आप उठा के आप अलाइन कर सकते हो, आप इन दोनों चीजों का कंपैरिजन कभी भी नहीं कर सकते कि कैनवा ज्यादा बेहतर है या एडोबी के सॉफ्टवेयर ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक चीज ये दिखा दूं, अब ये मैंने एक बुक इलस्ट्रेट की थी एक प्रोजेक्ट के लिए, जिसके अंदर मैंने इस फोटोशॉप का मैंने इस्तेमाल किया था, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये बुक किस लेवल पे प्रिंट होनी है, मैंने उसका सारे साइजेस इसकी हर चीज का उतना ही ख्याल रख के उसको बनाया। मैं हर चीज आप लोगों को इस कोर्स में सिखाऊंगी कि आप किस तरीके से पोर्टफोलियो बनाओगे, किस तरीके से काम करोगे, किस तरीके से आप अर्निंग करोगे, आपको सॉफ्टवेयर, आपको क्रैक्स दिए जाएंगे, ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी, ठीक है। अब जो ये कोर्स है आपको, हाँ ठीक है, इस तरह हम इसमें लाइन वाइज सारे पेजेस बनाए गए हैं कि आपने कौन सा जो है
पेज पे काम कर रहे हो, कौन ये राइट लेफ्ट साइड सारी चीजें बहुत डिटेल में बनाई गई हैं, ये बहुत हैवी फाइल है, ये आराम से 1-2 GB की फाइल है, ठीक है। तो आप देख लेना, जब आप इंशाल्लाह इस कोर्स में आओगे तो आप लोगों ने अपने लैपटॉप को अच्छी तरह देख के उसके अंदर जो फालतू स्टफ है आपने वो निकालना है, क्योंकि इससे ये हो जाता है कि आप लोग का जो सॉफ्टवेयर है ना वो हैवी हो जाएगा। तो आप लोगों ने बस इस चीज़ का ख्याल रखना कि आप जब आओ तो वो दे दो। देखें प्लीज क्वेश्चन लास्ट में जवाब दे दें प्लीज मैम। ओके ठीक है। देखें ये डेमो क्लास है, इसलिए ये इसलिए रखी गई थी कि आप लोगों के सारे कन्फ्यूजन्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं इस कोर्स से लेके। आप लोगों के जवाब मैं इसलिए साथ साथ दे रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो जब आप पे कर रहे हो। जाहिर बात है हर कोई पे कर रहा है इसको पढ़ने के लिए, तो आप लोगों का काम है, आपका हक बनता है ये जानने कि आप लोग क्या पढ़ने वाले हो और क्या सीखोगे इस कोर्स में। अच्छा अब जैसे ये आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि आप लोगों को, जैसे मुझे अभी रिसेंटली मेरे एक प्रोजेक्ट आया था, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। अब ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया था, क्लाइंट ने मुझे जितना उसको समझ आ रही थी उसने मुझे कहा मुझे इस तरह का लोगो चाहिए, कोजी कोजी सी चीज़ें चाहिए, बैकग्राउंड ऐसा चाहिए, और उसने ये भी दिखाया उसने लगाना किधर है, तो ये सारा कुछ उसने बता दिया मुझे। अब मैंने उसके डिमांड्स को नज़र में रख के मैंने जो उसके लिए चीज़ें बनाई वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो मैंने उसके लिए मतलब उसको ढेर सारे लोगोस बना के दिए कि आप किस तरीके से जो हैं अपने लोगो पसंद करें इसमें से। अब उसने जो है इस लोगो में मेरे से बहुत सी चेंजेस करवाई कि आप इसको ये करके दिखाओ, आप इसको वो करके दिखाओ, मैंने उसको वो सारी चीज़ें करके दिखाई। अब मेरी अगली ये आप लोग ना ये जो मैं आप मेरे राइट कॉर्नर पे देखो, मैं ये लेयर्स खोल के आपको दिखा रही हूँ कि मैंने आपको पहले लोगों को मैंने दिखाया कि वो किस किस तरीके का हो सकता है, फिर मैंने उसको दिखाया कि जो उसने लोगो पसंद किया है वो किन वेरियंट्स में हो सकता है, और वेरिएंट्स के बाद फिर जो उसने लोगो पसंद किया उसमें मैंने उसको दिखाया कलर्स डाल के कि ये कलर्स मैंने डाले हैं, अब आप इसमें से पसंद करें कि आपको आपके ब्रांड के लिए क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर लग रही है। और आपके हाँ और जो आपका यूज़र, हाँ कभी कभी ऐसा होता है जब आप काम कर रहे होते हो ना तो आपका क्लाइंट आपसे बेतुकी चेंजेस करवा रहा होता है, तो आपको ऐसे क्लाइंट्स को किस तरीके से आपने संभालना है आपको इस तरह की चीज़ें भी बताऊंगी, क्योंकि देखो आप उसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो। अब जैसे मैंने ऊपर वाले 3 वर्जन्स बनाए, अब उन्होंने बिल्कुल अपनी गिवन डिटेल से हट के मुझे कह दिया कि आपने येलो और ब्लैक करके दिखाओ, जबकि मैंने उसको बताया कि आपका ब्रांड जो है वो येलो कहीं से भी उसमें एडजस्ट नहीं होगा, लेकिन क्योंकि वो मुझे कह रहा था और क्योंकि उसने मुझे पे किया था तो मैंने उनको करके दिखाया, जबकि मुझे पहले ही पता था कि ये कैसा लगेगा, लेकिन क्योंकि आपके क्लाइंट को नहीं पता होता, वो उन चीज़ों से अनजान होते हैं तो उनको दिखाना ज़रूरी होता है। उसके बाद सारा जब हमारा लोगो फाइनल हो गया, हमने लोगो बना लिया, उसके बाद मैंने उनकी जो है स्टेशनरी स्टार्ट की है। तो अब जैसे अभी मैंने उनकी स्टेशनरी में उनका हैंड टैग बनाया है, तो अब मैंने उनके जो भी कैंपेन के हिसाब से उन्होंने मुझे चीज़ें बताई हुई थी कि उनको स्टार्स चाहिए, कलर्स ऐसे चाहिए, उनको पिंक पर्पल में जाना है, उनको थोड़ा गर्लिश रखना है और थोड़ा ड्रीमी ड्रीमी लगे, तो ये सब आप इसमें सीख सकते हो मैम। 3D डिज़ाइन AI में होती है। बिल्कुल अभी अभी इलस्ट्रेटर ने न्यू फंक्शंस लॉन्च किए हैं अपने, और इसमें ये है कि आप 3D में अपने ऑब्जेक्ट्स को लेके जा सकते हो। मैं बल्कि आपको दिखाती हूँ, वी कैन यूज दिस ऐप इन विंडो लैपटॉप, आप लोग ये लैपटॉप में यूज आराम से कर सकते हो, बल्कि आप ये सारी चीज़ें जो हैं आपको जो वर्जन्स क्रैक दिए जाएंगे वो आपको आराम से एप्पल के भी और विंडो के भी दिए जाएंगे, ताकि आप उस सारे इस्तेमाल कर सको उन चीज़ों को। इसके अलावा जब हम आएंगे अगली चीज़ है हमारी लाइट रूम, ठीक है। लाइट रूम इस तरह का सॉफ्टवेयर है, लाइट रूम ज़्यादा यूज़ होता है ग्रेडिंग के लिए, मतलब आप उसमें ग्रेडियंट्स और अलाइनमेंट और कलर करेक्शन और इस तरह की चीज़ें कर सको। तो अब जैसे अगर हम ये ऊपर से ऑल फोटो क्लिक हुआ है, हमने एक पिक्चर ले ली है और इसको हमने कहा है डन किया है, हमें ये चाहिए, हमने इसको लाइब्रेरी में जाके कर लिया,
आप इसमें आप डेवलप में आए, इसके ये सारा सॉफ्टवेयर है, इसमें आपको ये साइट पे जो पैनल दिख रहे हैं जो अभी डिसेबल हुए हैं, रुको मैं आपको लाइब्रेरी में जाके वही चीज दिखा देती हूँ ताकि आपको पता हो कि आप लोग आगे क्या पढ़ने वाले हो। लेकिन मेनली जो इलस्ट्रेटर होता है वो इसी चीज के लिए यूज होता है, ओ सॉरी लाइटरूम, कि आप अपने उसकी ना कलर करेक्शन कर सको। आप लोग का जब कोर्स स्टार्ट होगा तो आप लोग मेरे से सवाल जो आप हर जगह आप लोगों को प्रॉपर आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा जिसके अंदर जो है आप लोग उसको क्या कहते हैं आप उसमें क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो। मैम प्रिटर मोशन शो कर दें। अच्छा, हाँ मैं आपको एक कलर करेक्शन का बताई थी लेकिन आप मतलब उसका एनिमेशन का पूछ रहे हो तो मैं उसका थोड़ा बता देती हूँ आप लोगों को। अब जैसे ये मैंने खुली हुई है एक फाइल, ठीक है, ये मतलब स्टॉप मोशन तो नहीं है, स्टॉप मोशन भी मैं आपको बताऊंगी, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि स्टॉप मोशन जो है इवन कि आप जो है उस पे भी कर सकते हो फोटोशॉप पे। आप फोटोशॉप पे कैसे कर सकते हो, फोटोशॉप एक टेक्निक है रोटो एनिमेशन। रोटो एनिमेशन होती है फ्रेम बाय फ्रेम, आप जो आपका लाइव एक्शन था आपने उसको फोटोशॉप के अंदर कन्वर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद आप उस पूरी फाइल में जो मेन उनके फ्रेम्स होंगे आप उनको इलस्ट्रेट करोगे, ड्रॉ करोगे और उनको रन करोगे तो वो एक स्टॉप मोशन क्रिएट कर देगी। अब ये देखो ये मैंने प्रीमियर प्रो खोला हुआ है, इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट्री डिजाइन की गई थी कि जैसे मैंने आपको बताया था प्रीमियर प्रो में इन चीजों में आप लोग जो हैं आप इसके अंदर जो हैं क्या कहते हैं छोटी छोटी कमर्शियल्स और इस तरह के प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, लेकिन जो आफ्टर इफेक्ट्स है उसके अंदर आप प्रॉपर 2D में जा सकते हो, ठीक है। तो ये मैं आपको थोड़ी बहुत रन करके दिखा देती हूँ। इसके अंदर मैंने पीछे बैकग्राउंड साउंड डाला हुआ है ताकि इसके अंदर हल्का हल्का म्यूजिक रहे, इसके अंदर टाइपोग्राफी इफेक्ट्स हैं, ट्रांजिशंस हैं, ब्लैक डिस्क वाइट इफेक्ट्स। आप लोगों को उसकी आवाज आ रही है, मतलब लैपटॉप की आवाज आ रही है? फोटोशॉप वाइन जी आ रही है, होगा। जी आ रही है आवाज जो प्ले अच्छा करते हैं ठीक वीडियोस बैकग्राउंड से। है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा आप जैसे इसके अंदर मैंने प्रॉपर सारा सीन्स डाले हुए हैं और इसके अंदर हर चीज मतलब डाली हुई है कि आप इसके अंदर किस तरीके से, इसके अंदर आप लोगों को ग्रीन स्क्रीन का आइडिया है कि ग्रीन स्क्रीन क्या होती है? ठीक है, कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, मैं क्योंकि ये शुरू से करवाऊंगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ग्रीन स्क्रीन जो होती है वो मोस्टली आप लोग जितनी भी मूवीज देखते हो ना उसके अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट्स लोग डले हुए होते हैं वो ग्रीन स्क्रीन पे डले हुए हैं। एक इवन कि आप जब देखते हो ना कि कोई अपनी छत से जंप कर रहा है तो हमें वो किस कदर रियल लग रहा होता है लेकिन वो सारी ग्रीन स्क्रीन होती हैं। आप उनको इन सॉफ्टवेयर में रहते हो, ये फोटो फोटोशॉप कह रही हूँ, इलस्ट्रेट सॉरी प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स, ये इनमें सारे सॉफ्टवेयर में होता है कि आप ग्रीन स्क्रीन डाल सको। आप लोग जो है हाँ एनिमेशन, हाँ बिल्कुल आप लोग इसमें एनिमेशन सीखोगे और आप इसमें आपको इस तरह के छोटे छोटे इफेक्ट्स भी सिखाए जाएंगे। हाँ मुझे अभी हाँ ग्रीन स्क्रीन जो है जैसे इन्होंने बताया व्हाइट बोर्ड एनिमेशन है लेकिन डिटेल में ग्रीन स्क्रीन ये है कि आप लोग जो है सिंपल सॉफ्टवेयर में लेके आते हो और उसको आपका जो इफेक्ट है उसको छोड़ के आपका जो दूसरा कलर होता है ग्रीन उसको आप रिमूव कर देते हो और आपको आप उसको इस तरीके से मर्ज करते हो कि वो इस तरह की इल्यूजन क्रिएट करता है कि वो आपको रियल लगता है। और भी सिखाते हैं आपको, और ये आफ्टर इफेक्ट्स का सॉफ्टवेयर ये बिल्कुल प्रीमियर प्रो की तरह इसकी सारा इंटरफेस है लेकिन थोड़ा डिफरेंट चीजें हैं लेकिन जो इंटरफेस है वो तकरीबन सिमिलर है दोनों के। और इनमें ये है 3D ब्लेंडर, इसके अंदर हम 3D ऑब्जेक्ट सीखेंगे और आप इसके अंदर डिफरेंट आप प्रॉपर तौर पे कोई भी चीज को क्रिएट करने लगोगे आपको हर क्लास में ना छोटे टास्क दिए जाएंगे। जैसे अगर आपने फोटोशॉप के अंदर या इलस्ट्रेटर के अंदर कोई रूम डिजाइन किया, ठीक है, तो मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि आप मेरे से सीख के तो आप उन्ही चीजों को इस सॉफ्टवेयर में आके उसको 3D डिजाइन करो, उसको बनाओ
और फिर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई, कोई भी चीज़ आपको ना आ रही हुई, तो आप वो भी मुझसे पूछ सकोगे, क्योंकि आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहाँ पे आप वो चीज़ें सीख सकते पूछ सकते हो। और अभी आप लोगों के पास थोड़ा टाइम है, आप लोगों ने कोई क्वेश्चंस करने हैं तो आप मुझसे पूछ लो। ओके, सम ऑफ पीपल आर आस्किंग बेसिकली के डिज़ाइनिंग के साथ साथ ये चीज़ें भी होंगी। बिल्कुल, जो आपका एज ए कंप्लीट ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स होता है वो कुछ लोगों को पता लगता है कि सिर्फ इलस्ट्रेटर फोटोशॉप इज एवरीथिंग, ऐसा नहीं है। इलस्ट्रेटर फोटोशॉप के साथ ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है, जो कि आप लोग इसमें सीखेंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेटर फोटोशॉप, और कुछ लोगों को सिर्फ कैनवा डिज़ाइनिंग भी डिज़ाइन करके कहते हैं दे आर द डिज़ाइनर, ऐसा नहीं है। आप कंप्लीट जो है वो सीखोगे। अगर मुझे स्क्रीन दीजिएगा थोड़ी सी, थोड़ी देर के लिए मुकद्दस, मैं ज़रा कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ से एक चीज़ दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पर जो है ना मेरे पास ओपन है, ठीक है, आउटलाइन एडवांस ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि किस किस तरह से चलेगा। जी बिल्कुल, तो यहाँ से इलस्ट्रेटर और एडवांस्ड टेक्निक्स, पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग इलस्ट्रेटर को जो है वो यूज़ करना सीखेंगे, ठीक है। तो अभी इसके बाद जिस तरह मैं ऑफ करता हूँ तो जो है वो मुकद्दस में कहूँगा कि एक बार ब्लेंडर की स्क्रीन ऑन करके जो है वो दिखा दीजिएगा बच्चों को, ठीक है। अभी इलस्ट्रेटर और एडवांस टेक्निक्स हैं, और इसके बाद आपके पास जो है वो टाइपोग्राफिक 3D इफेक्ट्स ऑन ब्लेंडर है, ठीक है। ये बहुत मजे की चीज़ है ये वाली। ये PDF आप लोगों को मिल जाएगा डिटेल में ग्रुप्स के अंदर, तो आप इसको सारी डिटेल में जो है वो सीख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से चीज़ें सीखेंगे, सॉफ्टवेयर वगैरह, लेकिन सारे सॉफ्टवेयर वगैरह आपके यूज़ होंगे। फिर फोटोशॉप आ जाता है, एडवांस टेक्निक, इसमें सारी चीज़ें गिवन है। अमेजोन प्रोडक्ट डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ऑटो एनिमेशन जो आपको बता रही थी मैम वो भी इसके अंदर गिवन है, रेंडरिंग है। फिर आपके पास लाइट रूम है जो कि फोटो एडिटिंग के लिए और आपके पास कलर एडजस्टमेंट और टोन के लिए यूज होता है, ठीक है। फिर आपके पास इन डिज़ाइन है, जितनी भी पब्लिकेशन आप लोग देखते हो, ब्रोशर वगैरह, जितने भी चीज़ें आपके पास फ्लायर्स वगैरह आते हैं, वो सारे इसी के ऊपर डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। फिर आपके पास Adobe प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स जो अभी आप लोग देख रहे थे। फिर ब्रांड आइडेंटिटी, मॉकअप्स, प्रेजेंटेशन वगैरह, डिफरेंट डिज़ाइन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि चीज़ बना के उसकी ब्रांडिंग कैसे करनी है, उसको डिलीवर कैसे करना है किसी कंपनी को, और आपके पास भी पोर्टफोलियो रिव्यूज़ और उसके पास बिहेंस पे कैसे अपलोड करना है, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो हमारा जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एडवांस कोर्स है उसके अंदर ये इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स, ब्लेंडर, प्रीमियर प्रो, लाइटरूम और इनडिज़ाइन के साथ कोर्स जो है आप लोगों का सॉफ्टवेयर जो है वो गिवन है इसके अंदर, ठीक है। जो कुछ कन्फ्यूजन आ रही थी आप लोगों को क्लियर होगी, मुझे मैसेज करके ड्रॉप करके बताओ, मुझे क्लियर हुआ कि जो कंप्लीट ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स होता है वो इन सारी चीजों को यूज करके बनता है, ठीक है। कोर्स की ड्यूरेशन 2 मंथ्स की होगी, ठीक है। टोटल 48 क्लासेस होंगी आप लोगों की, ठीक है। जी जी बिल्कुल, आप जो है इसमें वैसे भी हम लोगों ने एडवांस कोर्स में लिमिटेड बच्चे लेने हैं, ठीक है। हमारी स्लॉट्स होंगी, जैसे हमारी वो लिमिटेड स्लॉट्स फुल होगी हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन ऑफ कर देनी है, ठीक है। जो एडवांस कोर्सेज हैं इसमें आप लोगों को ऑब्वियसली सपोर्ट भी ज़्यादा दी जाएगी, ठीक है। आपके पास टाइम भी जो है आप लोगों को ज़्यादा दिया जाएगा, और आप लोग उसी के अंदर जो है इसको कवर अप कर रहे होंगे, तो इसलिए जो है जो नॉर्मल कोर्सेज हैं उनसे ज़्यादा फीस भी अगर है इसकी, तो उस ऑब्वियसली इसमें एक तो टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है, उनमें 8 क्लासेज हैं, उसमें 48 क्लासेज हैं, ठीक है। और इसमें आपको जो इंस्ट्रक्टर की सपोर्ट ज़्यादा होगी, आपके पास माइक ओपन करके डिस्कशन की ज़्यादा टाइम होगा, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ लिमिटेड बच्चे लेने हैं इसके कोर्स के अंदर। जब हमारे पास एक अवेलेबल स्लॉट्स पूरी होगी, रजिस्ट्रेशन ऑफ हो जाएगी, नेक्स्ट मंथ तक रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होगी फिर, ठीक है। सो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, डिटेल्स का सारी कुछ वो आप लोगों को ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी मैं जो है वो स्क्रीन दे रहा हूँ मुकद्दस को, थोड़ा सा ब्लेंडर के बारे में बता दें और फिर हम इसको ऑफ करेंगे, और नेक्स्ट जो है अमेजोन VA की क्लास होगी इंशाल्लाह, ठीक है। स्लॉट्स जो हैं वो आपको टीम बता देगी, हर कोर्स के डिफरेंट स्लॉट्स हैं, तो लेकिन जैसे लिमिटेड स्लॉट्स फुल होगी हम लोग पोस्ट कर देंगे उसको, वो क्लोज है। तो अगर आप लोग रजिस्टर करना चाहें तो रजिस्ट्रेशन जो है वो आज से ओपन हो जाएगी, ठीक है। ओके, वो सारी डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएंगी, फीस क्या है, सारी चीज़ें क्या हैं, 48 क्लासेस टोटल हैं, ठीक है, तो वो आप लोगों को मिल जाएंगी। 48 क्लासेस इस तरह से हैं, ईच क्लास जो है आप लोगों के पास 1 आवर की होगी, टू आवर्स की क्लास होगी, 2 आवर्स मतलब 2 क्लासेस होंगी आप लोगों की फ्राइडे को, 2 क्लासेस ऑन सैटरडे, 2 क्लासेस ऑन संडे, ठीक है। तो अब 6 क्लासेस होगी आपकी एक वीक में, ठीक है। उसके बाद 6 को मल्टीप्लाई करो अगर आप 8 वीक के साथ, तो इट विल 48 क्लासेस, ठीक है। टाइमिंग सब कुछ आप लोगों ग्रुप में मिल जाएगा, वो बेफिक्र हो अभी आप, ठीक है। ये सारी डिटेल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ग्रुप के अंदर मिलेंगे, जिस ग्रुप्स में आप ऐड हो ना वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा कि क्लास की टाइमिंग क्या है, कैसे होनी है, क्या डिटेल है, फीस कितनी है, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ओके मुकद्दस, कैन यू प्लीज जो है वो स्टार्ट स्क्रीन ऑफ ब्लेंडर।
और ब्लेंडर के बाद थोड़ा सा बता के तो आप 5 मिनट्स में एंड कर सकते हो मीटिंग। आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा, मैं आपको थोड़ा ब्लेंडर का बता देती हूँ। ब्लेंडर में ये है, मैं चैट एक मिनट साइड पर खोलूँ ताकि मैं आप लोगों के मैसेजेस भी देख सकूँ। ठीक है, अब ब्लेंडर में ये है कि आप लोग, क्योंकि आपको इतना तो आइडिया है कि ब्लेंडर में आप लोग 3D पे आ जाते हो, ठीक है, तो अब आप जब इस पे 3D पे आओगे तो आपको यहाँ पे सिंपल ऑब्जेक्ट से आप लोग जो है एक प्रॉपर शेप से एक कोई आप चीज बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप एक सिंपल स्क्वायर से लेके आप किस तरीके से उसको एक चेयर में कन्वर्ट कर सकते हो सिंपल इस स्क्वायर से, और फिर उसके बाद आप इस स्क्वायर को किस तरीके से आप इस सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हो। इसके अंदर आपको इतने 3D इफेक्ट्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे आप इसके अंदर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आप एडिट में आके पहले तो इसके अंदर ये सिंपल टूल्स हैं जो कि आप कोर्स के अंदर आओगे जब इंशाल्लाह, तो आप लोगों को ये मैं बहुत डिटेल में बताऊंगी कि आप हर एक टूल को किस तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे आप ये लूपर टूल है तो आप इसके अंदर इसमें कट्स डाल सकते हो, इन कट्स से फिर आप इसको एक डिफरेंट, बहुत ही डिफरेंट शेप में आप इसे क्रिएट कर सकते हो। और इसके बाद जब आप ये सारी चीज अपनी रन कर लेते हो तो आप इसको जो है एक टेक्सचर में आ जाते हो। टेक्सचर में ये होगा कि आप लोगों को यहाँ पे तो मैं चीजें सिखाऊंगी लेकिन आप लोगों को ना मैं कुछ फ्री रिसोर्सेस भी बताऊंगी जरूर, क्योंकि यहाँ पे आपका एडवांस कोर्स है और आप लोगों को इस तरह की सोर्सेज, वेबसाइट्स और इस तरह की चीजें बताई जाएंगी जरूर कि आप कहाँ से मतलब फ्री रिसोर्सेज लेके, जैसे आप लोगों को फ्री टेक्सचर्स बहुत अच्छे मिल सकते हैं, जैसे आपने ग्रास डालनी है, आपने कोई बैकग्राउंड पे वॉलपेपर सेट करना है, आपने कोई क्लोथिंग का इफेक्ट डालना है। अब जैसे आपने बेडशीट क्रिएट करनी है तो आपने बेडशीट तो ये आपको जैसे कलर नजर आ रहा है ग्रे ग्रे, लेकिन आप किस तरीके से इसके ऊपर प्रिंटेड जो है आप इस तरह के इफेक्ट डाल सकते हो कि आपको प्रॉपर वो इतना ओरिजिनल लगे कि आप, हाँ आपको पता चल आप 3D पे जा रहे हो। और इसमें आप लोग रेंडर, रेंडर में आप लोगों, मैं फिर भी बताऊंगी कि आप लोगों ने जब भी इन सॉफ्टवेयर को पढ़ना है ना, आपके लैपटॉप में स्पेस अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग जब इस सॉफ्टवेयर में आते हैं, उन सारे सॉफ्टवेयर इवन के जैसे खासतौर पर ये आफ्टर इफेक्ट्स और खासतौर पर ये प्रेम, ये ब्लेंडर, ये दो सॉफ्टवेयर इतने हैवी हैं कि आप लोगों को काफी स्पेस की जरूरत है, क्योंकि आप इसमें सिंपल, अभी मैं ये जो मेरी शेप है ना, अगर मैं इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट डाल के खत्म करती हूँ ना तो ये आराम से मतलब GB इसमें चली जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर कोई भी एक रूम का टेक्सचर बनाती हूँ तो वो बहुत हैवी हो जाएगा, तो आप लोगों को इन चीजों का बस ख्याल रखना है। आप लोगों की अब जितने भी आप लोगों का रैम है आप लोग बेशक उसको बढ़ा लें, आपको टाइम तो दिया जाएगा थोड़ा बहुत, और आपको हर सॉफ्टवेयर की गाइडलाइन भी दे दी गई है। आप देखिए, आप लोगों के सॉफ्टवेयर जो हैं, आप लोगों के लैपटॉप सबके डिफरेंट होंगे, तो ग्राफिक्स के लैपटॉप काफी डिफरेंट होते हैं, लेकिन आप ये उन पर सीख सकते हो। लेकिन आपको अगर बहुत हैवी प्रोजेक्ट करने है, अभी तो आप सीख रहे हो ना, अभी आप अपने लैपटॉप पे काम कर सकते हो, लेकिन जब आप आगे प्रोफेशनली काम करोगे तो आपको बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिनके लिए आपके पास स्पेस होना जरूरी है। मैम क्या साइज है सॉफ्टवेयर का? सॉफ्टवेयर का इतना साइज नहीं है, ये ब्लेंडर तो बहुत कम MB का है, ये बहुत कम है, लेकिन जैसे अब देखो ये मैंने PS डाला हुआ है, ये 1.2 GB का है या 1.6 GB का है, इसी तरह इलस्ट्रेटर भी 1.8 GB तक का है, आफ्टर इफेक्ट ये सारे 1.1 GB, 2 GB इस तरह के सारे हैं, ठीक है। तो आप लोग खुद आइडिया लगा लो कि आप लोगों को काफी स्पेस चाहिए, इस कोर्स की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं आपके वो पूरी होंगी तो आप ज्यादा अच्छे से सीख सकते हो, वरना रिकॉर्डिंग्स आपको ये सब तो मिलेगा ही, तो आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन आप साथ साथ सीखोगे, साथ साथ करोगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। विदाउट डाउनलोड भी सॉफ्टवेयर चलते हैं? नहीं, अब जैसे ये फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ये सारी चीजें जो है ये आप बगैर किसी, ये सॉफ्टवेयर है ना तो ये आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। हाँ, सॉफ्ट फोटोशॉप का एक है ऑनलाइन टूल, लेकिन उसमें ये है कि आप लोग वो ऑनलाइन रन हो जाता है लेकिन उतना आपको इजी टू यूज नहीं है, तो आप उसमें इतना नहीं कर सकते काम जितना आप मतलब सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो तो अच्छा है। मैम हम कैसे डाउनलोड करेंगे ऐप को?
ये आपको एनएस की तरफ से सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, आपको सॉफ्टवेयर्स दिए जाएंगे, आप आराम से फिर डाउनलोड कर सकते हो। नहीं देखें, अभी आप लोग शुरू करो इस कोर्स को, और आपको अभी लैपटॉप्स नए एडवांस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो एडवांस कोर्स में मैंने अभी शुरू में आपको बताया था कि आपको सारे कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे, सॉफ्टवेयर पढ़ाए जाएंगे, उसके बाद आप डिसाइड करोगे, आप लोग सीख लोगे, लेकिन फिर आप किसी एक चीज में ही एक्सपर्ट हो सकते हो या दो चीजों में, क्योंकि एक्सपर्टीज आप एक दो में रखते हो, चीजें आपको सब आती होती हैं। ठीक है, आप जैसे मेरा ग्राफिक्स में, मैं एक्सपर्टीज मेरी इलस्ट्रेशंस में काफी स्ट्रांग हूँ मैं, तो मैं जो लोगोस भी अगर कोई डिजाइन करती हूँ तो मैं मोनोग्राम टाइप के लोगोस नहीं बनाती, मैं वेक्टर टाइप के बनाती हूँ जिसमें इलस्ट्रेशंस होती हैं, इस तरह की चीजें, तो वो मेरा जॉनर है, मैं उसमें ज्यादा रहती हूँ। इन तो इस तरह आप लोगों को भी आइडिया होगा कि आप लोगों का क्या है, आप लोग किस चीज में आगे आगे फर्दर काम करोगे, मैम रिकॉर्डिंग कैसे मिला करेंगी, आप लोगों को प्रॉपर एक सॉरी गूगल ड्राइव का एक लिंक होगा जिसके अंदर आप लोगों को जो है ये सारे लिंक दिए जाएंगे, रिकॉर्डिंग्स उसके अंदर ऐड होंगी, आप जो है आपको मैं प्रॉपर असाइनमेंट्स दूंगी, टास्क दूंगी, और आप लोग वो करोगे और वो आप मुझे शेयर करोगे और मैं वो देखूंगी। क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है? क्लासेस स्टार्ट हो रही है 16 जुलाई से प्रॉपर तौर पे। ओके वन सो बाकी जो है हमारे पास टाइम कम है, तो हम एंड कर रहे हैं इस क्लास को, डेमो क्लास को। रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी आप लोगों को, डोंट वरी। और बाकी जो नेक्स्ट क्लास है अमेजोन वी ए की, वो स्टार्ट होगी आफ्टर 5 मिनट्स, सॉरी आफ्टर 10 मिनट्स, तो आप लोग उसको आफ्टर 10 मिनट ज्वाइन कर सकते हो। लिंक जो है वो ग्रुप में मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बाकी जो भी डिटेल्स हैं, जो भी क्वेश्चन है उसके रिलेवेंट, आपको कंपनी का नंबर शेयर हो जाएगा और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, रजिस्ट्रेशन जो है ओपन हो जाएंगी, सब कुछ डिटेल्स आप लोगों ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो अभी जो है मैं एंड कर रहा हूँ इसको, स्क्रीन क्लास को, तो इनशाला सी यू ऑल इन नेक्स्ट अमेजोन वी ए क्लास। ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मुकद्दस, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज सर।